हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम विद सुमना के और एक नए ब्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग मेरे सभी दोस्तों को और एक बार मेरे चैनल पे। अभी सुबह से मैंने आज का जो ब्लॉग है वो स्टार्ट कर दिया है। सुबह मतलब अभी टाइम हो रहा है 8:30, ये चले गए हैं ऑफिस, और ऑफिस जाने के बाद अभी तो काम शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अभी से शुरू नहीं करूँगी तो काम ख़त्म ही नहीं होता। ज़्यादातर ठंडी में ऐसा होता है, और बाहर का वेदर देख रहे हैं आप, आज बहुत ज़्यादा धुंधला है, जैसे नॉर्मली होता है वैसे ही है। लेकिन आज चाहे मौसम कैसा भी रहे, बारिश हो या सारा दिन धुंधला ही रहे, लेकिन आज जो काम है जो इम्पॉर्टेंट है और करना ही पड़ेगा वो है कपड़ा धोने का काम, क्योंकि 4 दिन हो गया है मैंने एक भी कपड़ा नहीं धोया है। बाथरूम में कपड़े का ढेर लग चुका है, वॉशिंग मशीन के अंदर ही भी कपड़े हैं, और अब पहनने के लिए कुछ बचा नहीं है। वैसे मैं मजाक कर रही हूँ, बचा तो है लेकिन कपड़े की ढेर लग चुकी है। और कल ही मैं धो लेती थोड़ा सा, मेरे पास सर्फ नहीं था इसलिए मैं धो नहीं पाई, तो कल शाम को मार्केट गई थी तो वहाँ से लेकर आई हूँ। देखिए कितना कपड़े का ढेर बन चुका है, एक बकेट में है और मशीन में भी इतना था। मैंने कपड़ा दे दिया है, अब मशीन जो है ना वो उसका काम करेगा, अब मैं दूसरा काम कर लेती हूँ तब तक। और अभी 2 दिन से बाहर जा रहे थे, और उसके लिए ये जो जूता है ना, ये हम बाहर जा रहे थे और यहाँ पर जूते का जो है ना मेला लगा हुआ था। और सबसे बड़ी बात है पता है क्या, मेला तो ठीक है जूते का, लेकिन साथ में धूल इतना ज़्यादा है, क्योंकि अभी परसों हम बाहर गए थे तो उस दिन बारिश हो रही थी, और बारिश के टाइम अगर हम वही जूता पहन के घर में आए, जहाँ जहाँ चलेंगे वहाँ वहाँ ही कीचड़ हो जाएगा। तो कीचड़ तो थोड़ा बहुत सूख गया है लेकिन डस्ट पूरा भर गया है, और आने के बाद से ना सच में अभी सीढ़ी में मैंने झाड़ू भी नहीं लगाया था, तो आज थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैंने सोचा चलो ये काम भी कर लेते हैं। और अभी तो रितिका सो रही है, क्योंकि इस टाइम उसका ऑनलाइन क्लास भी नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी तक यहाँ का एडमिशन का जो प्रोसेस है ना वो अभी तक नहीं हुआ है, तो अभी मंडे से शायद शुरू हो जाए। झाड़ू ख़त्म हुआ और साथ में दूध जो है वो हमारा आ चुका है, और एक पैकेट दूध है बाहर ऑलरेडी इसलिए मैं इसको रख दूँगी, और कल का भी एक पैकेट है। तो चलिए अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं और काम भी एक तरफ ख़त्म करते हैं। अभी इस घर में आने के बाद ना, मतलब कभी कभी अगर ऐसा हो कि काम पे अगर लग जाती हूँ ना तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। देखिए अभी कितना बजे से, 8:30 बजे से मैंने काम शुरू किया था, अभी 10 बज चुका है, और मतलब अभी मैंने देखा है टाइम, और अभी देखिए बाहर का ही हुआ है, घर का कुछ भी काम नहीं हुआ है, ऊपर से इतना ज़्यादा जाले हो गए ना। 1 महीना पहले मतलब घर जाने से पहले साफ करके गई थी, फिर भी तो इस बार कम हुआ है, मतलब इस बार मतलब ठंडी में कम हुआ है, नहीं तो गर्मी के टाइम ऐसा होता है कि दूसरे दिन ही लगता है कि हमने घर को साफ नहीं किया है, इतना जल्दी जाले पड़ते हैं। तो वैसे भी बोलते हैं कि जाले अच्छा नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है मतलब अशुभ होता है, यही मैंने ही भी सुना है और ये सभी मानते हैं लगभग। तो चलिए अभी जाले तो साफ़ हो गए, लेकिन अभी घर साफ करना बाकी है तो चलिए वो कर लेते हैं। इस बार तो आपको पता ही है कि बहुत जल्दी जल्दी में हम घर गए थे, मतलब उसी दिन निकल गए थे, उसके बाद हम दूसरे दिन सुबह पहुँचे थे, और उसके बाद तो आपको पता ही है कि जितना भी काम होता है वो करने के बाद, अभी सोचिए मार्च में हमें 1 साल होने वाला था मम्मी का काम करने वाले थे हम 9 तारीख को, अभी हमें फिर से जाना होगा मम्मी का काम करने के लिए, और
मतलब वही है, फिर से दादू का ऐसा हो गया घर में, एक ही समय पे मतलब एक ही साल पे दो दो इंसिडेंट हो गया है। और आप सभी सभी का नहीं, बहुत लोग तो जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो उनको मैं बताती हूँ। आप बहुत बोलते हो कि दीदी आप गायब हो जाते हो बीच में, क्या करें, हमारा जो टाइम है ना वो कुछ सही नहीं चल रहा है। मार्च में मम्मी का जाना, उसके बाद मेरा मेरे साथ ऐसे 2 महीने 3 महीने का ये इंसिडेंट होना, और उसके बाद दादू का चले जाना, तो ये सब कुछ लेके ना हम बहुत डिस्टर्ब है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अभी तो मतलब कोशिश करूँगी कि डेली ब्लॉग देने की। और सच बताओ तो इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप मुझे बीच बीच में देखते हो, बीच बीच में नहीं देखते हो, तो इसलिए आपने पूछा है। और मेरी जिम्मेदारी है आपको क्लियर करना कि क्या हुआ है। तो चलिए, अभी फ़िलहाल रितिका को मैंने दे दिया है खिचड़ी, उसका खिचड़ी बन चुकी है, और मैंने ले लिया है ब्रेड और बटर जो मुझे पसंद है। और आज चाय नहीं बनाऊँगी, क्योंकि चाय खाने का पीने का सॉरी मन नहीं है बिल्कुल। और 2-3 दिन कंटिन्यू पीऊँगी ना, तो मेरा गैस बनना पक्का एकदम हो जाएगा। दवाई तो ले रही हूँ, फिर भी मुझे डर बहुत लगता है। और मौसम जो है ना वो क्लियर हुआ है अभी थोड़ा बहुत, तो अभी चलिए मैं कपड़ा भी डाल देती हूँ ऊपर जाके, क्योंकि अभी नहीं डालूँगी ना तो ये पता नहीं धूप कब भाग जाए, कुछ पता नहीं है। कपड़ा तो सारा मैंने डाल दिया है, अब पता नहीं धूप आएगा नहीं आएगा। अभी तो 11:30 बज चुका है ऑलरेडी, लेकिन धूप का अभी नामो निशान नहीं है। जो भी हो, हवा भी दे फिर भी मेरा थोड़ा बहुत तो सूख ही जाएगा। और यहाँ पर देखिए गोभी और इसमें ना लहसुन लगाया था मैंने, जिस पे बहुत ज़्यादा घास जो है ना वो बड़े बड़े हो गए, अब घास भी पेड़ बन जाएंगे ऐसा लग रहा है, तो इतना ज़्यादा हो गया। तो मैं इसको सोच रही हूँ क्लीन करके उसके बाद थोड़ा सा इसको ना खुरपी से थोड़ा सा मिट्टी को हल्का कर दूँगी, ताकि ये ग्रोथ हो जाए। और पर लहसुन ना ऊपर ऊपर से थोड़ा सा ख़राब हो गया है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी जो है ना बिल्कुल टाइट हो चुका है, इसलिए अच्छे से ग्रोथ भी नहीं हुआ है। शायद इसी वजह से ख़राब हुआ है या कीड़ा लगा है, ये मुझे नहीं पता चल रहा है। और यहाँ पर गोभी का भी जो है ना मिट्टी बिल्कुल ढीला हो गया है, इसको यहाँ से थोड़ा सा मिट्टी लेके ना इसकी जड़ पे डालना पड़ेगा, तब जाके ये अच्छे से बढ़ पाएगा। ये वाला काम तो हो गया है, इसका मिट्टी जो है पूरा ढीला कर दिया है, और गोभी के जड़ पे अच्छे से टाइट करके मिट्टी जो है ना मैंने लगा दिया है। अब देखते हैं कितना क्या होता है, ये खाएंगे अब। यहाँ पर भी देखिए लहसुन जो है ना लगाया तो है, लेकिन ये पत्ता गोभी का पत्ता जो है ना इतना बड़ा होगा, मुझे आइडिया नहीं था, मुझे नॉलेज नहीं था एक्चुअल में। हमने तो लगा दिया है एक साथ साथ में, बहुत क्लोज लगा दिया है, इसलिए ना ये लहसुन भी अच्छे से बढ़ नहीं पा रहा है। यहाँ पर देखिए छुप गया है लहसुन, बहुत शौक से लगाया था मैंने ये लहसुन, लेकिन ये पत्ता गोभी देखते हैं अभी, काफ़ी बड़ा हुआ है पता है, पता नहीं कैसा होगा, लेकिन अभी तो फ़िलहाल काफ़ी बड़ा हो गया है, पूरा भर गया है। देखिए 25 तो हो ही जाएगा, यहाँ पर गिनना पड़ेगा, अभी तक मैंने गिना नहीं है, लेकिन चले आइए आप भी यहाँ पर और लेकर जाएंगे पत्ता गोभी, लेकिन अभी नहीं, अभी कुछ दिन बाद ही होगा। अभी आज बनाएंगे मूली का साग, और ये काफ़ी बड़ा हो गया है, और ये हमारे उधर जो लाल मूली होता है ना वही है, ये पत्ते जो है ना इसको, और मूली जो कल मार्केट से मैं लेकर आई थी, क्योंकि ये मूली तो अभी उतना बड़ा नहीं हुआ है, पत्ते बहुत ज़्यादा बड़े हो गए यहाँ पर, तो इसको
घना इन्होंने बोया है ना इसको, इतना घना बोया है कि इसका पता नहीं चलता है। मूली ये देखिए, ये लाल हमारे उधर का मूली है, लाल लाल देखिए कितना ऊपर आया है ये, क्योंकि इन्होंने अच्छे से बोया नहीं था, ऐसे ही छिड़क दिया था तो इसलिए इतना ऊपर आ गया, नहीं तो नीचे होना चाहिए था इसको, है ना। बस मन नहीं था ऐसे ही डाल दिया। अभी फ़िलहाल खाना बनाना छोड़ के मुझे तुरंत जाना पड़ेगा बेटी के स्कूल में उसके एडमिशन के लिए। और मैं आज सोच रही थी, आज 26 है, ये मैं भूल ही गई थी, आज 25 तारीख है, तो मैं सोच रही थी आज स्कूल बंद है तो काम नहीं होगा, लेकिन अचानक से मुझे याद आया कि आज 25 तारीख है और इसका जो एडमिशन है ना ये मुझे करवाना है, और टाइम बहुत ज़्यादा कम है, 1:30 बजे के अंदर, 1:45 बजे के अंदर मुझे स्कूल पहुँचना है। तो चलिए मैं जल्दी से फ्रेश हो जाती हूँ और स्कूटी निकालती हूँ, भागती हूँ, अभी बहुत जल्द से जल्द मुझे पहुँचना है वहाँ पर। तो अभी देखते हैं, अभी ऐसे ही होता है, जिस दिन काम के ऊपर फोकस किया जाए ना उस दिन ही काम जो है ना वो बिगड़ जाते हैं। तो चलिए अभी घर है, घर की साफ़ सफाई तो करनी पड़ेगी। तो चलिए आज के लिए मैं इस ब्लॉग को फिर यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे निकलना है, उसके बाद आके पता नहीं खाना कब बनाओगी नहीं। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही, कल मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तो चलिए आप लोग बहुत अच्छे से रहिएगा, खुश रहिएगा, सबके साथ सबके पास रहिएगा।